नमस्कार, स्वागत है आपका इंडियन न्यूज 28 में। आइए बात करते हैं उत्तर प्रदेश की कुछ खास खबरों की। उत्तर प्रदेश के अयोध्या में युवक की हत्या, रस्सी से गला दबाकर हत्या की आशंका, हत्या में पत्नी की भूमिका संदिग्ध। अयोध्या जिले रोनाही इलाके में एक 32 साल के युवक की हत्या की वारदात सामने आई है। कुछ अज्ञात हत्यारों ने युवक की रस्सी से गला दबाकर हत्या कर दी। घटनास्थल पर युवक के गले में रस्सी पाई गई है और युवक के कान, नाक और मुंह से खून निकलता दिखाई दिया है। वहीं इस हत्या के पीछे मृतक युवक की पत्नी की भूमिका संदिग्ध बताई जा रही है। फिलहाल पुलिस ने पत्नी को कस्टडी में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है। प्रभारी सीओ सदर राकेश कुमार के मुताबिक रोनाही थाना क्षेत्र के चौरा चौकी क्षेत्र में ग्राम सभा पिरखोली मजरे भवनियापुर निवासी 32 वर्षीय युवक शिव कुमार पुत्र राम अचल का रक्त रंजित शव कोरा गांव के पास से पाया गया है। बताया जा रहा है कि घटना से पूर्व की रात पति और पत्नी के बीच झगड़ा हुआ था। घटना में प्रथम दृष्टया युवक की पत्नी ही शक के दायरे में है। फिलहाल पुलिस ने मृतक युवक के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मामले की छानबीन शुरू कर दी है। अयोध्या से बिस्मिल्ला खान की रिपोर्ट। ग्राम भवानियापुर के मड़ाह नाले के पास एक शव मिलने की सूचना प्राप्त हुई, जिसकी शिनाख्त ग्राम भवानियापुर के श्री कुमार पुत्र रामाचल उम्र करीब 35 वर्ष के रूप में हुई। मृतक के गले में नायलॉन की रस्सी बंधी हुई है। आंख नाक कान से खून निकल रहा है और कोई जायरा चोट नहीं है। मृतक का पंचायत नंबर भर कर पोस्टमार्टम की कार्रवाई कराई जा रही है। अग्रसर विधिक कार्रवाई की जाएगी।